आज हमारा थर्ड डे है उदयपुर में और हम आए आज सिटी पैलेस। हर हर महादेव। हेलो, हाउ आर यू ऑल? 500 चार्ज करेगा गाइड आपसे और कई बंदे 500 देके बोर भी हो रहे हैं। तो अपनी बजट में भी आप कैसे घूम सकते हैं? अफोर्डेबल ट्रैवल आप कैसे करते हैं? जबरदस्त ट्रिप रहा है, जबरदस्त ट्रिप रहा है मेरा भी, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। हाँ, नाम क्या आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे ब्लॉग में आएंगे, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा। मतलब राजा की हाइट 4'11" थी या 5 फुट थी, वो मतलब आता कैसे था यहाँ पे? इतने छोटे छोटे दरवाजे बना रखे हैं, इतने सारे शीशे लगाने का क्या? ये मेरे को लग रहा है पूरी आर्मी की जो होगी ना, वो सारी यहीं पे आके रेडी होगी, एक ही रूम में, एक ही रूम में। वैसे तो पार्किंग का सब जगह व्यू ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे साथ में एडिशनल ये भी है। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज निशांत चांदना, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज हमारा थर्ड डे है उदयपुर में और हम आए हैं आज सिटी पैलेस। यहाँ पे सारे वेपन्स वगैरह हैं, तो मैं आपको अभी बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे बागोर की हवेली। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जहाँ जहाँ कवर कर सकते हैं और आपको दिखाएंगे भी। फिलहाल मैं अभी आपको बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सिटी पैलेस के अंदर आ चुका हूँ मैं। ये कुछ ऐसे हैं इनके प्रोटेक्टर्स एंड वेपन्स। सामने तलवारें वगैरह लगी हुई हैं। मैं भी देख लूं, पहले देख सकते हो भाई सभी बाहुबली मूवीज में देखे थे, बाहुबली की मूवी कितने हैवी हैं। हेलो दोस्तों, सो हम हैं सिटी पैलेस में और यहाँ पे अभी आपको मैं बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। और म्यूजियम होते हैं यहाँ पे। 500 चार्ज करेगा गाइड आपसे और कई बंदे 500 दे के बोर भी हो रहे हैं। हम तो अपनी गाइड गाइड के पीछे, हम तो एक, हम तो किसी ने गाइड हायर किया था, उसी के पीछे पीछे चलते रहे, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई, पता लग चल गई। बट हमें बाद में ये भी पता चला कि थोड़ा सा बना भी रहे हैं गाइड कि ऐसा हो रहा है, होगा, बहुत चीज़ें हैं बट बहुत चीज़ें डमी भी हैं। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। हर हर महादेव। यही सारे फोटो खींचा, घर जाके रख लीजिए, उसके बाद गाइड बन जाए यहाँ के। यार हमें पता नहीं है कौन से राजा, मेरे कौन से राजा है, सलमान खान है। इनका नाम नहीं पता, हमने यहाँ पे गाइड नहीं किया। ये मुझे फोटो खींचने के लिए कह रहे हैं, एक मिनट खड़ा रहे भाई, बस व्लॉग बना रहा हूँ, तू भी आ जाएगा। हाय बोल दो। नाम, हाँ नाम क्या आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे व्लॉग में आएंगे, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, वीडियो देख लेना। आए कर दो भाई, सारे आए, सबको दे दूंगा लिंक, ठीक है, ठीक है। तो हम आए अभी सिटी पैलेस में और ये सलमान खान राजा जैसा कोई दिख रहा है? खींच देते हैं तेरी फोटो, इतनी जल्दबाजी क्या हो रही है? नहीं नहीं, कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, जब उसको नहीं है तेरे को क्या हो रही है? तो फिर उसके बाद बस अब इस पहले भाई की फोटो देखे, ब्लॉग कैरी करते हैं, नहीं तो फिर ये खींचने नहीं देगा। गाइस ये देख पा रहे हैं हम सिटी पैलेस में इतने सारे शीशे लगे हुए हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मतलब राजा की हाइट 4'11" थी या 5 फुट थी, वो मतलब आता कैसे था यहाँ पे? इतने छोटे छोटे दरवाजे बना रखे हैं, है ना? उसके बाद ये शीशे देखो यहाँ पे, इतने सारे शीशे लगाने का क्या? ये मेरे को लग रहा है पूरी आर्मी की जो होगी ना, वो सारी यहीं पे आके रेडी होगी, एक ही रूम में, एक ही रूम में, एक ही सर, अच्छे अच्छे सब एक ही में चेंज होते होते हैं सारे बंदों के। हाँ, वो यहीं आके तैयार होते होंगे। ये एक रीजन मुझे समझ में आ रहा है, इतने शीशों का, और इतने शीशों का और कोई नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा शीशा जैसे मॉल में होता है, वो नहीं, सैलून में होता है वैसा भी रख सकता था, बट चलो कोई बात नहीं।
ये जो पहाड़ है वो उनका थी उदयपुर एंड इट्स एनवायरमेंट्स 3D मैप है गाइस 3D मैप है ये यहाँ पे योजना बनाते होंगे युद्ध की कि यहाँ तू यहाँ से पीछे से आइए अटैक करने हम यहाँ से आएंगे यहाँ से आएंगे ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सितार है इतना पता है ये भी सितार है सारे सितार हैं क्या नहीं ये कुछ और है वो मोर वाला सितार ताऊस कहते हैं इसको ताऊस बंदा बजाने वाला है इतना बैठ के बजाने से एक बंदा है पीछे खुदा वो बना रखे हाँ इतना चौकड़ी मार के इतना चौकड़ी मार के बजाने से हाँ वो देख मैंने लगे सितार है ताऊस कहते हैं ताऊस इंडियन बांजो भारतीय बैंजो कुछ और ना पड़ गई बैंजो तो दोस्तों ये है कुछ सिटी पैलेस का व्यू अभी हमने यहाँ पे सिटी पैलेस में कुछ रील्स भी बनाई थी वो भी शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन पे अंदर हम हुए हैं लगभग 2 घंटे लग गए अंदर काफ़ी अंदर एंशियंट वेपन्स वगैरह सब कुछ थे मतलब क्या क्या होता है महल में सबसे बड़ा महल है ये शायद सेकंड लार्जेस्ट महल है पैलेस है इंडिया का बट बहुत बढ़िया था बहुत यूनिक चीज़ें थी अंदर गाइस ये है पार्किंग का व्यू सिटी पैलेस की सोचो पार्किंग ऐसी है पार्किंग का व्यू ऐसा है मतलब वैसे तो पार्किंग का सब जगह व्यू ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे साथ में एडिशनल ये भी है ठीक है हम तो इससे बढ़िया बढ़िया व्यूज भी खिंचवा चुके हैं फोटो कोई दिक्कत नहीं है ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने कैप्चर कर लिया तो दोस्तों आ चुके हैं हम अम्बरेई घाट पे और ये आप 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं आप यहाँ का ये पूरा एक पिचोला है और ये हम मंदिर के पास बैठे हैं हेलो हाउ आर यू ऑल दैट्स गुड ये पूरा 360 डिग्री व्यू है बाकी हम अपनी सेल्फी वीडियो भी दिखा देते हैं तो अम्बरेई घाट पे आके कैसा लग रहा है गंगोर घाट से डिफरेंट ये लग रहा है कि यहाँ पे क्राउड नहीं है ऐसा मतलब यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा है साफ सुथरा है बढ़िया एक तो ये है कि यहाँ पे मतलब बहुत मिनिमल फीस है बट फीस है मतलब 20 रुपए 20 रुपए है दैट इज नॉट नथिंग मतलब इट्स नथिंग बट फ्री जहाँ पे फ्री मिलता हो बंदे जहाँ वहाँ जाते हैं वहाँ पे ज्यादा गंद मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा क्राउड क्राउड बहुत कम है मतलब और थोड़ी सफाई भी है अभी तो बढ़िया बंदे चार्जेबल है घाट तो थोड़ी सफाई भी और पुलिस वाले भी खड़े हैं तो बंदे गंद कम मचाते हैं हाँ बिल्कुल नहीं तो यहाँ बाकी 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ और मजा आ रहा है उदयपुर में आके भाई मौसम बड़ा सही है यार बहुत बढ़िया कई बंदे कह रहे थे धूप में कैसे चले गए ये हो गया वो हो गया भाई बहुत मजा आ रहा है एंजॉय करने वाला बंदा धूप में भी एंजॉय कर लेता है सही बात जिसने एंजॉय नहीं करना वो उसको अच्छा मौसम भी दे दोगे ना वो बैठा रहेगा एक जगह पे उसको चाय पकौड़ा दे दो उसमें खुश है सही बात जब तक तुम निकलोगे नहीं नहीं कई बंदे आते रिलैक्स करने एक जगह गए बोटिंग वोटिंग करी उनको पता नहीं होता उदयपुर में क्या देखा लेकिन हम सब कुछ हम तो रील्स बना सकते हैं कि बजट में भी आप कैसे घूम सकते हैं अफोर्डेबल ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं जबरदस्त ट्रिप रहा है ये तो मेरी लाइफ का हाँ लाइफ का जबरदस्त ट्रिप रहा है मेरा भी मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस उदयपुर का वो भी उदयपुर का बंदे कहते हैं गोवा का एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत बढ़िया यहाँ करा है थाईलैंड करा है मैं तो कहूँगा भाई बहुत बढ़िया ट्रिप मेरा उदयपुर का बहुत बढ़िया ट्रिप है चलो दोस्तों मिलते हैं कंटिन्यू करते हैं बाकी तो दोस्तों आज हमारा लास्ट डे था उदयपुर में और अब हम लास्ट में जा रहे हैं जगदीश मंदिर भगवान जगदीश यानी विष्णु जी के दर्शन करने तो अगर मोबाइल अंदर अलाउड होता तो मैं आपको भी दिखाता हूँ बाकी मिलते हैं दोस्तों
जगदीश मंदिर दर्शन करने के बाद हम गए थे बागोर की हवेली और वहाँ पे हमने राजस्थानी शो देखा था, डांस शो, जहाँ पे हम व्लॉगिंग अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों बाकी आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी ये तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।